सोनी टीवी हर बार अपने शो को लेकर चर्चा में रहता है कभी डांसिंग शो कभी सिंगिंग रियलिटी शो और कभी सबसे फेमस कौन बनेगा करोड़पति को लेकर अक्सर सोनी टीवी फेमस रहता है फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है लोगों के टाइम पास के पास बस दो ही तरीके हैं एक मोबाइल और दूसरा टीवी। लोग रिपीट एपिसोड देख भी ऑलमोस्ट बोर ही हो चुके हैं कौन बनेगा करोड़पति ने इसी बीच एंट्री ले ली है जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने एक अलग ही अंदाज में अपना सवाल किया अमिताभ कह रहे हैं कि लोग लॉकडाउन खुलने के इंतजार में ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद कसम से ये करूँगा लॉकडाउन खुलने के बाद कसम से वैसा करूँगा आगे अमिताभ ने कहा कि अरे भाई कसम ही खाते रहेंगे या कुछ करेंगे भी ये कहते हुए अमिताभ ने बताया कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप सवालों का जवाब दीजिए और सुनहरा मौका पाइए केबीसी में भाग लेने का इसके बाद अमिताभ ने केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल पूछा ये छठा सवाल है जो ये है कि पुलेला गोपी चंद और उनके दो शिष्यों ने किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है इस सवाल के हमेशा की तरह ही चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन है टेनिस दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है स्क्वाश ये के रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा गया छठा सवाल है और इसका जवाब है ऑप्शन सी बैडमिंटन आप सभी जानते हैं कि पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उन्हें साल 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है तो आप भी इस सवाल का जवाब देकर केबीसी में भाग लेने का सुनहरा मौका पा सकते हैं और जल्दी कीजिए आप इस सवाल का जवाब सोनी ले से भी दे सकते हैं सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स